नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सीबीएसई स्कूलों में विषयवार परीक्षक नहीं मिल रहे हैं। आईएसआईएस पर 2024 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षकों के मांगे गए रिकॉर्ड से यह सामने आया है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तहत मुजफ्फरपुर जिले में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों को छोड़कर लगभग 500 से अधिक शिक्षक चले गए हैं, जिससे जिले में निजी स्कूलों से 1500 से अधिक शिक्षक चले गए हैं। बोर्ड ने सभी जिलों को 30 नवंबर तक खाली पदों पर नियुक्ति कर नाम भेजने का आदेश दिया है। कई बड़े स्कूल ऐसे हैं जहां से 13-14 शिक्षकों तक की नियुक्ति बीपीएससी के तहत हुई है। यमन के अदन बंदरगाह के नजदीक इजरायली कारोबारी के स्वामित्व वाला टैंकर हमलावरों ने कब्जे में ले लिया है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायल विरोधी हुती विद्रोहियों का यह कृत्य है। जिस जहाज पर कब्जा हुआ है उसका नाम सेंट्रल पार्क है और उसे जॉर्डेक नाम की कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस टैंकर में फास्फोरिक एसिड भरा हुआ है। कंपनी ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता जहाज में मौजूद 22 कर्मचारियों की सुरक्षा की है। इन कर्मचारियों में भारतीय, रूसी, बुल्गारियाई, वियतनामी और कई अन्य देशों के नागरिक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम जातीय गणना की तरह हर घर में शराबबंदी की समीक्षा करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी जिलों के डीएम वेब कास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार के लिए बसों को भी रवाना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2011 से आज के दिवस का हम लोग मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। वर्ष 2017 में इसे बदलकर नशा मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोगों ने महिलाओं की मांग पर वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू किया। शराबबंदी को शुरू में हमने सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया था, लेकिन 5 दिन के अंदर लोगों की डिमांड पर पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया गया। गूगल के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म जीमेल अकाउंट्स को काफी लोग पसंद करते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए यह अकाउंट फोन में लॉगिन करने से लेकर ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर आप अपने जीमेल अकाउंट बनाने के बाद भूल चुके हैं, यानी जीमेल अकाउंट का काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से उस अकाउंट का डेटा सेव कर ले। दरअसल गूगल की ओर से इन जीमेल अकाउंट को 1 दिसंबर 2023 से डिलीट किया जाने वाला है। राजधानी पटना के दिग्घा इलाके से पुलिस ने पंजाब से लाई गई शराब की 1000 कार्टन बरामद की है। बताया जा रहा है कि कार्टन में करीब 8.5 लीटर अंग्रेजी शराब थी। वहीं शराब से लदा एक ट्रक और 6 पिकअप वैन भी जब्त की गई है। तस्करों ने शराब छुपाने के लिए गोदाम में तहखाने बना रखे थे। क्रिसमस और नव वर्ष के मद्देनजर शराब की खेप पटना मंगाई गई थी। डीएसपी कानून एवं व्यवस्था कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जानकारी दी कि गोदाम को सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर गुरु नानक देव का स्मरण किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। दूसरों की सेवा करने और भाईचारे को आगे बढ़ाने पर उनका जोर दुनिया भर के लाखों लोगों को ताकत देता है। बिहार के वातावरण में बढ़ रही ठंड के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। बेगूसराय रविवार को देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 पर पहुंच गया। यह इस मौसम का रिकॉर्ड है। देश में दूसरे स्थान पर राजस्थान का हनुमानगढ़ रहा। वहीं पर वायु प्रदूषण की मात्रा 438 AQI रही। केंद्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा 398 AQI रहा। राज्य में बेगूसराय के अलावा पटना, छपरा, बेतिया, राजगीर, गया, सहरसा, कटिहार सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों की स्थिति काफी खराब रही। सोने के भाव आज मजबूत बोले जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में मजबूती आने से सोने की चमक बढ़ी है। ग्लोबल मार्केट में मजबूती से आज चांदी के भावों में भी मजबूती देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में सोना 9.68 डॉलर की तेजी के साथ 2011.79 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। वहीं चांदी 0.35 डॉलर की मजबूती के साथ 24.68 डॉलर प्रति औंस पर है। गुडरेट टर्न्स वेबसाइट पर दिए रेट के मुताबिक आज सोने के भाव में मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी के भाव में भी तेज बोले जा रहे हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे। बीपीएसएससी की ओर से हाल ही में जारी सूचना के अनुसार बीपीएसएससी एसआई परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड अगले सप्ताह आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी बीपीएसएससी एडमिट कार्ड अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। देशभर में आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस मौके पर यूपी के वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ में गंगा नदी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज तड़के सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार देश भर में गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु सुबह से डुबकी लगा रहे हैं। पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी में भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गुवाहाटी में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की।
बिहार के पटना में जेडीयू की ओर से आयोजित भीम संसद को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि जेडीयू के भीम संसद में सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग कर भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि लोगों को नौकरी और वेतन वृद्धि का प्रलोभन देकर भीड़ जुटाई गई थी। दलित बस्तियों में काम करने वाले विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज के हजारों कर्मियों को प्रलोभन देकर भीड़ जुटाई गई। सभी को राज्य कर्मी का दर्जा और वेतन वृद्धि दी जाएगी, ऐसा प्रलोभन दिया गया था। सरकारी तंत्र के भरोसे भीड़ जुट सकती है परंतु वोट नहीं मिल सकता। IRCTC ने गोवा के लिए भी एक सस्ता और बेहद शानदार टूर पैकेज लाया है। इस टूर पैकेज को IRCTC ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया है। इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रा कराई जाएगी। IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम गोवा स्पेशल है। यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है। इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 11,750 रुपए है। इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट गोवा की सैर कर सकेंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत तमिलनाडु के टेनकसी से होगी। इस टूर पैकेज में बोम जेसस बेसिलिका, कोलवा बीच, मंगेशनल टेम्पल और फोर्ट अगोड़ा की सैर करेंगे। टूर पैकेज में टूरिस्ट तमिलनाडु से गोवा की सैर करेंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,108 खाली पदों पर जल्द बहाली होने वाली है। इसमें 755 बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। संबंधित प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सहमति मिल गई है और इसके बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के विषयवार संबंधित पदों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भेजा दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी तेजी से कार्रवाई करने का अनुरोध आयोग से किया गया है। अगर आप भी मलेशिया जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीयों के लिए मलेशिया जाना और भी आसान हो गया है। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने घोषणा की है कि मलेशिया 1 दिसंबर से 30 दिनों तक रहने के लिए चीन और भारत के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देगा। अनवर ने रविवार देर रात अपनी पीपुल्स जस्टिस पार्टी कांग्रेस में एक भाषण के दौरान यह घोषणा की। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वीजा छूट कितने समय के लिए लागू होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में परीक्षा के दौरान सामान्य अध्ययन के प्रश्न ठीक रहे लेकिन सामान्य विज्ञान ने अभ्यर्थियों को उलझाया। इसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो बीते परीक्षाओं के ट्रेंड से अलग थे और तथ्यात्मक के साथ कंसेप्शंस के भी जांच करने वाले थे। 1482 अभ्यर्थी शामिल हुए। मालूम हो कि परीक्षा में कुल 1610 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। परीक्षा 25 नवंबर से शुरू है जो 29 नवंबर तक 2 पालियों में चलेगी। बीते दिन मशहूर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर में हुई फायरिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गिप्पी ग्रेवाल ने बताया कि मेरे घर, गाड़ी और गराज पर जो फायरिंग हुई है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से न तो कोई कॉल आई और न ही कोई दुश्मनी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान मेरे दोस्त नहीं है, उनसे बिग बॉस और एक फिल्म की लॉन्चिंग पर मुलाकात हुई थी। फिलहाल कनाडा पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हाईकोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी गई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा पारित हालिया संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने दाखिल की है। याचिका में बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने की भी मांग की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच में पाया है कि जम्मू कश्मीर में हुई पिछले 2 आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा का हाथ था। इनमें से 1 जनवरी के महीने में राजौरी गांव में हुआ हमला था जिसमें 7 नागरिक मारे गए थे और दूसरा हमला पूंछ जिले में हुआ था जहां सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में पहला आतंकी हमला 1 जनवरी की रात राजौरी के ढांगरी गांव में हुआ था। उस 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। अगली सुबह पिछली रात एक घर में लगाए गए IED में विस्फोट होने से 2 लोग और लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। रविवार को जदयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया। पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री अशोक चौधरी की देखरेख में आयोजित भी इस संसद में लाखों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया। भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जदयू के ऑफिस में 5 महापुरुषों का नाम लिखा है, उन्हीं के सिद्धांतों पर पार्टी चलती है और अपनी गतिविधियां निर्धारित करती है। स्पैम कॉल्स को खुद से रोकने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई के नाम से भी जाना जाता है, एक डू नॉट डिस्टर्ब ऐप प्रदान करता है जो यूजर्स को स्पैम कॉल और टेक्स्ट को ब्लॉक करने देता है। अगर आप प्रमोशनल कॉल्स, क्रेडिट कार्ड से संबंधित कॉल्स आदि से परेशान हो गए हैं तो आप इस ऐप के जरिए इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। इस ऐप के साथ एक परेशानी जो ज्यादातर एंड्रॉयड यूजर्स पिछले कुछ समय से फेस कर रहे हैं वो है ऐप में कई सारे बग का होना। बग की वजह से ये ऐप सभी फोन में सही से काम नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मेजबानी अधिकार के करार पर उसके साथ हस्ताक्षर करने का आग्रह किया और साथ ही जोर दिया कि अगर भारत राजनीतिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके देश की यात्रा करने से इनकार करता है तो PCB को इसकी भरपाई की जानी चाहिए। PCB के एक सूत्र ने बताया कि ICC ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट के मेजबान के रूप में चुना है लेकिन उसने अभी तक उसके साथ मेजबानी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
अगर आप भी हैवी व्हीकल फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो बिना किसी देर किए अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की आधिकारिक वेबसाइट boat-srp.com के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2023 तक है। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 320 पदों पर बहाली की जाएगी। देश की राजधानी नई दिल्ली में चल रहे 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को उद्योग मंत्री समीर महासेठ बिहार पवेलियन शिरकत किए। इस मौके पर उन्होंने यह जानकारी दी कि व्यापार मेले में अब तक 280 निवेशक बिहार स्टॉल पर पहुंचे और उन्होंने बिहार में निवेश को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि 13-14 दिसंबर को बिहार में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में वह लोगों के पहुंचने का आह्वान करते हैं। नया बिहार युवाओं एवं मेहनतकश लोगों का बिहार है। बिहार में जिस तरह से औद्योगिक विकास व निवेश बढ़ रहा है उसे आने वाले समय में बिहार से पलायन रुकेगा। दवा बनाने वाली कंपनियां चीनी कॉन्ट्रैक्टरों पर अपनी निर्भरता को सीमित करने की कोशिश कर रही है। चीनी कॉन्ट्रैक्टर क्लिनिकल ट्रायल्स और प्रारंभिक चरण के निर्माता में उपयोग की जाने वाली दवाओं का उत्पादन करते हैं। दवा कंपनियों का यह कदम भारत में प्रतिद्वंदियों को लाभ पहुंचा रहा है। ये जानकारी 10 उद्योग अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साक्षात्कार से प्राप्त हुई है। कॉन्ट्रैक्टर ड्रग मेकर्स द्वारा दी जाने वाली कम लागत और स्पीड के कारण चीन लगभग 20 वर्षों से फार्मास्यूटिकल रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दवा कंपनियों का पसंदीदा स्थान रहा है। सदन के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है जो 22 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले सभी दलों की एक बैठक भी बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में संसद की कार्यवाही और सदन में मुद्दों पर चर्चा को लेकर सभी दलों से बातचीत होगी। आपको बता दें कि आमतौर पर सर्वदलीय बैठक किसी भी सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है। ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने के लिए योग्यता रखते हैं उनके लिए आवेदन का अंतिम मौका। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 नवंबर 2023 निर्धारित है। इसलिए इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट cisfrect.cisf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। 15वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के बाद से देश भर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में कई किसान सवाल कर रहे हैं कि सरकार कब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त भेज सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार अगले साल 2024 के फरवरी या मार्च महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त को ट्रांसफर कर सकती है। गौर करने वाली बात है कि इसको लेकर सरकार ने किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। उत्तरकाशी सुरंग के ऊपर ड्रिलिंग की जा रही है। 1 मीटर वाले हिस्से में 75 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है लेकिन इसमें पानी आ जाने की वजह से ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। इसके समानांतर हो रही 8 इंच की ड्रिलिंग करीब 40 मीटर तक हो चुकी है। जिस जगह पानी आया है उसका आज परीक्षण किया जाएगा कि आगे की ड्रिलिंग कैसे की जाए। यह भी विचार किया जा रहा है कि 8 इंच वाली ड्रिलिंग को उतनी ही गहराई तक ले जाकर पानी पंप करके बाहर निकाला जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2023 सत्र के लिए एग्जाम सिटीज लिए दिसंबर के पहले सप्ताह जारी किए जा सकते हैं। यूजीसी नेट 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार नेट दिसंबर 2023 परीक्षा के एग्जाम सिटीज डिटेल्स नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी किए जा सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम सिटी के जरिए अभ्यर्थियों को यह जानकारी मिलेगी कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में है। सूर्य के सबसे करीब कहे जाने वाले बुध ग्रह पर जीवन हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। हालांकि अब तक माना जा रहा था कि सूर्य के करीब होने के कारण इसका क्षेत्र झुलसा देने वाला बड़ा होगा। ऐसे में यहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती लेकिन प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बुध की सतह पर नमकीन ग्लेशियर के प्रमाण मिले हैं। ऐसे में यहां जीवन की उम्मीद जगी है। जैसे कि पृथ्वी पर भी गंभीर हालतों में भी सूक्ष्म जीवन देखने को मिलता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परशुराम सिंह, मृदुल कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौसद अंसारी, सिद्धार्थ कुमार, अनुगोलू कुमार, आदित्य कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।